বাংলাদেশের এই ফায়ার সার্ভিসকে বলা হয় বীরদের বাহিনী। এই বাহিনীতে যারা রয়েছেন তাদের অসম্ভব সাহস দেখলে অবাক হতে হয়। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हमारे साथ हैं अली मुर्तजा। तो व्यूअर्स, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो है कि किस तरह से जनाब जो बांग्लादेश की आर्मी, फिर रेस्क्यू एहलकार, फायर फाइटर्स और इसके साथ साथ बांग्लादेश की जो डॉक्टर्स की टीम है वो इस वक्त तुर्की में मौजूद है और तुर्की में जलजिले से, अर्थक्वेक से जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी किस तरह से वो हेल्प कर रहे हैं, इसको लेकर के एक हमारे पास वीडियो क्लिप है। वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और किस तरह से वो बता रहा है कि जनाब देखें जो बांग्लादेश की टीम है वो किस तरह से तुर्की के जो मुसीबत में घिरे भाइयों की मदद कर रहा है, यानी बांग्लादेश। और ब्रेव, उन्होंने एक वर्ड बोला है अली मुर्तजा, ब्रेव वॉरियर के नाम से, यानी ये जंगजू हैं उर्दू में इसको ये बोलते हैं। और इस तरह से बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली जब आपका कोई भी मुखालिफ मुर्तजा तारीफ करे तो बड़ी खुशी महसूस होती है। बिल्कुल, और जैसे इंडिया का जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश कैसे ऐसी सरगर्मियों में आगे आगे है, तुर्की के साथ बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, उनकी हर चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है, चाहे वो स्लीपिंग बैग्स हों, चाहे वो उनकी निकालने के लिए उनको मलबे के नीचे से दबे हुए लोगों को निकालने के लिए उनकी मदद करनी हो, वो सब चीज़ों में आगे आगे हैं, सभी सरगर्मियों में बहुत आगे हैं उनसे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्डिंग्स का जो मलबा होता है ना, ढेर उनमें से निकाल रहे हैं उनके नीचे से और जिंदा लोगों को निकाला जा रहा है। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, पहले हम चाहते हैं कि ये वीडियो देख लेते हैं अली। जी बिल्कुल, फिर इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे और बहुत ही अहम वीडियो है और यकीनन मुर्तजा जी ये बड़े कर्ब की बात है, ये बड़े फखर की, प्राउड की बात है हमारे लिए भी कि हमारे मुसलमान भाइयों की जिस तरह से बांग्लादेश मदद कर रहा है और जो बांग्लादेशी हैं उनको कितनी खुशी महसूस होती होगी। बिल्कुल, बांग्लादेश के जो वहाँ के रहायशी हैं, बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं वो भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि भाई हमारे फायर फाइटर्स, हमारे आर्मी के नौजवान वहाँ पर जाकर मदद कर रहे हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा ये प्राउड की बात है बांग्लादेश। एक चीज़ और है, वीडियो के बाद हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बांग्लादेश के पास एक ऐसे रेस्क्यू के जवान भी मौजूद हैं जो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। इस वीडियो में हम वो देखेंगे कि बांग्लादेश में व्यूअर्स एक इंसिडेंट हुआ था, शायद आपको पता हो कि शिप एक रिवर में डूब गई थी, उसमें एक जवान ने लगभग 25 से 30 लोगों को बचा लिया था, जिंदा निकाल लिया था। यानी इस तरह के बांग्लादेश के पास ऐसे एक्सपर्ट तजर्बाकार लोग मौजूद हैं, यानी ये बड़ी प्राउड वाली बात होती है। इस तरह के लोगों को भेजा हुआ है तुर्की में जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग ले रखी है। तो बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। 3, 2, 1 एंड তুরস্কে ভূমিকম্প ঘটার পর থেকে অনেক কিছু ঘটছে, তবে সবকিছু বিষয়ই আমরা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করছি না। আমরা যেগুলো ভেবে দেখছি না বা তলিয়ে দেখছি না, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, আমরা কি জানি যে ভূমিকম্পে নিখোঁজদের কিভাবে উদ্ধার করতে অভিযান চালানো হয়? আমরা কি ভেবে দেখেছি এনডিআরএফ কারা? উদ্ধার কাজে তুরস্কের পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সের 10-12 জন সদস্যের একটি দল। আমরা কি জানি এই দলের এক একজন সদস্য বীর? বাংলাদেশ সরকারের কাছে ফায়ার সার্ভিসের এই ক্ষমতা অত্যন্ত গর্বের। কিভাবে পৌঁছলো ভারত বাংলাদেশের সেনাদের দল তুরস্কে? কাদের কাছে কি ব্যবস্থা ছিল? আমরা কি ভেবে দেখেছি? আর এই সমস্ত বিষয়গুলো হয়তো আমরা কেউ কেউ ভেবে দেখিনি বলেই আজকের রিপোর্ট সাজিয়ে ফেলা হয়েছে তাদের জন্য। সঙ্গে থাকুন প্রিয় দর্শক, আর রিপোর্টটা অবশ্যই দেখতে থাকুন, তথ্য কিছু হলেও মিলবে এই রিপোর্ট থেকে। তুরস্কে যারা উদ্ধার কাজ চালাচ্ছেন তাদের হাত এখন ভগবানের মতো। তুরস্কে মৃত্যুর তাণ্ডব লীলা, চারিদিকে শুধু ধ্বংসস্তূপ আর মানুষের হাহাকার।
ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে তুরস্ক। C-7 বিমানে করে ভারতীয় সাহায্যকারী দল পৌঁছে গেছে তুরস্কে। অপরদিকে এই যে C-130 বিমান, এই বিমানে করে বিধ্বস্ত দেশটিকে সাহায্য করতে পৌঁছে গেছে বাংলাদেশের ফায়ার সার্ভিসের বিশেষ দল। আন্তর্জাতিক দালালি, শত্রুতা সবই এখন ম্লান হয়ে গেছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার করাই এখন প্রধান লক্ষ্য ভারত বাংলাদেশের উদ্ধারকারী দলের কাছে। অপরদিকে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সের সদস্যদেরও একই অবস্থা। তাদের কথাও জানাতে হবে, তাদেরকেও স্যালিউট করতে হবে। প্রতিবেদনের শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকার অনুরোধ প্রিয় দর্শক আপনাকে। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য ফায়ার সার্ভিসের এটি প্রথম বিদেশ যাওয়া। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বাংলাদেশের সম্মিলিত উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তুরস্কের উদ্ধার কাজে বাংলাদেশ থেকে যে সদস্যরা গিয়েছেন তারা প্রত্যেকেই ইন্টারন্যাশনাল সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ অ্যাডভাইজারি গ্রুপের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী বিধ্বস্ত ভবন উদ্ধার কার্য বা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বাংলাদেশের এই ফায়ার সার্ভিসকে বলা হয় বীরদের বাহিনী। এই বাহিনীতে যারা রয়েছেন তাদের অসম্ভব সাহস দেখলে অবাক হতে হয়। 2012 সালে যখন মেঘনায় লঞ্চ ডুবেছিল তখন ফায়ার সার্ভিসের মাত্র একজন সদস্য সামান্য সময়ের মধ্যে একাই 30-35টা মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল। तो व्यूअर्स आपने ये रिपोर्ट देखी, वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन मीडिया इसको किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि देखिए आखिर में किस तरह से बांग्लादेश के जो फायर सर्विस के जवान हैं वो लोगों को शिप जो इंसिडेंट हुआ बांग्लादेश में तो वो किस तरह से उनको निकाल रहे हैं, जिंदा निकाल रहे हैं। यानी इस तरह के एक्सपर्ट्स अली लोग हैं बांग्लादेश के पास जो बांग्लादेश ने टर्की में भेजे हैं। यानी बड़ी फख्र की बात है, प्राउड की बात है बांग्लादेश के लिए। जी हाँ, एक ही फायर सर्विस के नौजवान ने किस तरह 30 लोगों को रेस्क्यू किया और किस तरह से बचाया, देखें इंटरनेशनल लेवल पे ये ट्रेंड है। ये बहुत ही अच्छी, ये प्राउड की बात है बांग्लादेश के लिए और हमारे लिए भी, एक मुस्लिम कंट्री हेल्प कर रहा है टर्की। अली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इसके साथ साथ देखें कि भारत ने भी अपनी टीम भेजी हुई है। इस वीडियो में जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया है, यानी पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं टर्की में, तो स्पेशली जिस तरह से जिक्र किया हमने पहले भी, जो बांग्लादेश है वो बाजी ले गया है बिल्कुल, और बांग्लादेश इसमें सबसे पहले बढ़ चढ़ कर सामने आया है। यानी उनके पास एक जो कहते हैं ना कि इंसानियत के लिए कुछ करने का एक जज्बा है बिल्कुल, वो बहुत है, ह्यूमैनिटी है उनके अंदर बहुत ज्यादा बिल्कुल। यानी आप कल भी हमने ये बात की थी कि जब पाकिस्तान में ना फ्लड आया जी, तो शेख हसीना हुकूमत ने फौरी तौर पर अनाउंसमेंट किया कि हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। इंडिया ने भी अनाउंसमेंट तो किया कि हम टर्की की मदद करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मदद के लिए पहुंचा वो था सिर्फ बांग्लादेश, और इसमें हर चीज में बाजी ले गया है बांग्लादेश। देखें चाहे उनके नौजवान हो, फायर फाइटर्स अच्छा, हो बिल्कुल अली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कथा कलामी के लिए माफी जी, जी। किस तरह से जो टर्की के एम्बेसिडर हैं इन ढाका जी, उन्होंने शुक्रिया अदा किया यानी बांग्लादेशियों का कि इस बुरे हालात में जिस तरह से बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा हुआ है हम उसको कभी भी नहीं भुला सकते। यानी मुश्किल वक्त में जाहिर बात है जो साथ देता है वही दोस्त होता है बेशक। ये नहीं होता कि जनाब अच्छे वक्त के तो सारे दोस्त होते हैं, लेकिन जब बुरे हालात होते हैं, बुरा वक्त आता है, तो उस वक्त आपके दोस्त का पता चलता है वो आपके साथ कितना मुखलिस है। अल्लाह से हमारी दुआ है, या अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा, और हम सबको चाहिए अपने गुनाहों की अल्लाह के हुजूर माफी मांगे, इस्तगफार करें, यानी अच्छे काम करें, लोगों की जिस तरह से बांग्लादेश मदद कर रहा है इस तरह हम भी मदद करें, सब करें बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी कर रहा है, बहुत ज्यादा अच्छी मदद कर रहा है बिल्कुल, तो इस तरह सबको करनी चाहिए। तो इसी के साथ मुझे और अली को इजाजत दें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एहसान रिएक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस किया करें और वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक जरूर दिया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।